what is going to happen tomorrow, I think I won't be able to tell you right now, but भारत का सामना सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होने वाला है, लेकिन इससे पहले टीम इंडिया के प्लेइंग 11 को लेकर काफी चर्चा हो रही है। सभी कंफ्यूज हैं कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के बीच कौन ये मैच खेलेगा। लोग तो कंफ्यूज थे ही, लेकिन अब मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर लोग और भी कंफ्यूज हो गए हैं। एंड वी थॉट ऋषभ वाज द गाय फॉर अस टू गो एंड गिव हिम सम टाइम एज वेल, बट अगेन दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि इंग्लैंड के खिलाफ विकेट कीपर कौन होगा, तब रोहित ने कहा, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले हमें नहीं पता था कि हमारा सेमीफाइनल किससे होगा। ऋषभ पंत ने इस टूर में अनऑफिशियल अभ्यास मैच के अलावा कोई मैच नहीं खेला था। हमें नहीं पता था कि किससे सेमीफाइनल होगा, इसलिए पंत को मौका दिया गया। In what is going to happen tomorrow, I think I won't be able to tell you right now, but both of the keepers will be in play. रोहित ने आगे बताया, किसी को आप सीधे सेमीफाइनल में नहीं उतार सकते। हमने सोचा कि हमें बाएं हाथ के बल्लेबाज की आवश्यकता होगी, इसीलिए हमने ऋषभ पंत को जिम्बाब्वे के खिलाफ उतारा। मैं आपको आज नहीं बता सकता कि कल कौन खेलेगा, लेकिन ये बात बता सकता हूं कि कल दोनों विकेट कीपर गेम में होंगे। और रोहित के इस बयान से सभी कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि रोहित ने कहा कि कल दोनों विकेट कीपर खेलेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर दोनों को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी तो बाहर कौन बैठेगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।